आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 का और पॉलिटिकल, इसका चौथा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग लॉ, कानूनों की समझ। कानूनों की समझ, डू लॉ अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सब लोगों पर लागू होता है। द एबव इज ए क्लियर केस ऑफ वोल्टेशन ऑफ लॉ एज यू रीड इन यूनिट 1। मेंबर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर एग्रीड देयर शुड बी नो अरबिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे दिया गया है यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है, जैसे कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर भी बहुत सहमति थी कि होनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानूनों की नज़र में बराबर होंगे, मतलब सब लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। इफ ही इट इज द ऑप्टन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनियंस हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। बहुत सारे कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में हिसाब के रूप में लागू किया जाना आज़ाद था। बहुत सारे लोग मानते थे कि भारत में देश कानून शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून माननेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह था, बताई जा रही थी कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के माननेपन की मिसाल थी। हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, नए कानून किस तरह बनते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। द पार्लियामेंट हैज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ, देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज ऑप्टेन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी डेट राइज द नीड फॉर ए पार्टिकुलर लॉ एंड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ाई जाती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह की ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेज लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेयर पॉपुलर। समटाइम्स ए लॉ कैन बी कंटिन्यूसली वैलिड एंड हैन लीगल, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दैट फील दैट intention behind it is unfair and harmful, hence people might criticize. आइए अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबार में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। इससे क्या स्थिति हो जाती है, दमनकारी स्थिति आ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल में संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरिका पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया है। इस पे भी विरोध होता है। इसीलिए कहा गया कि कानूनों की समझ होनी चाहिए, जिससे कि हम समझ सकें कि कानून क्या चाहती है। इसलिए संविधान बनाया गया जिसमें अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं। इसको नहीं समझेंगे तो हमको समझ नहीं सकते हैं कि कहाँ पे कैसे कौन सा नियम लगेगा।